आज का हमारा रेसिपी है मछली आलू रेसिपी। तो चलिए, मैंने मछली को अच्छे से वॉश कर लिया है नमक डाल के। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, और हाफ टी स्पून लहसुन पेस्ट। इन सब मसालों को डालकर अच्छे से करेंगे मिक्स। इस तरीके से फैला लें, अच्छे से एकदम कोट हो जाना चाहिए मछली हमारा। चलिए ये हो चुका, अब हम इसे फ्राई कर लें। तो आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई ली है और इसे मैंने गरम कर लिया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी सरसों का ऑयल। अब ये तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसके अंदर हम मछली फ्राई करेंगे। तो चलिए वेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा मछली, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर मछली ऐड कर देंगे इस तरीके से। आपके कढ़ाई में जितना स्पेस हो आप उतना ऐड कर दें। अब इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। अब एक मिनट तक इसे बिल्कुल भी नहीं छुएंगे, नीचे की तरफ से अच्छी तरह से सिक जाएगा, उसके बाद ही हम इसे पलट लेंगे। हमारा जब तक मछली फ्राई हो रहा है तब तक हम सरसों पीस लेते हैं, मसाला पीस लेते हैं। फिर मैं एक चम्मच, दो चम्मच, तीन और ये चार, चार चम्मच मैंने पीली सरसों लिया, इसलिए इसे पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा पीली सरसों बिल्कुल अच्छी तरीके से पीस चुका। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ये मैंने प्याज काट लिया, एक मीडियम साइज़ का प्याज, और इसमें ऐड कर लेंगे। मैंने दो प्याज काटे, एक मसाला बनाने के लिए और एक का मैं फ्राई कर लूँगी। तो चलिए इसे पीस के मिलते हैं आपसे। तो हमारा सरसों और प्याज पिस चुका है, चलिए इसे खोल के देख लेते हैं। ये देखें कितनी अच्छी तरीके से बाहर मैंने पीस लिया। चलिए इसमें बाकी के मसाले हम ऐड कर देंगे। दो चम्मच लहसुन पेस्ट, एक चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच काली मिर्च पाउडर। इन सभी मसालों को एक बार मिक्सी में हिला लेंगे, मिला लेंगे, मतलब कि चला लेंगे तो मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो चलिए इसे, तो आप देख सकते हैं हमारा मसाला
बिल्कुल रेडी है। चलिए अब हम अपना मछली देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा मछली अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखें, सभी को निकाल लेंगे। बाद मिलते हैं आपसे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तेल में सारे मछली को फ्राई कर लिया। अब इसी ऑयल में मसाले पका लूँगी। तो ये मैं ब्लैक सरसों ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच। उसके बाद जो हमने ये मसाला तैयार किया है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हम ढक कर अच्छे से पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा मसाला 5 मिनट हो चुका है। अब इसमें एक मीडियम साइज का टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे फिर से ढक देंगे और इसे 5 मिनट और पका लेंगे। चलिए 5 मिनट बाद मिलते हैं आपसे। हमारा 5 मिनट हो चुका है। चलिए इसे खोल के देख लेते हैं। ये देखें, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा मसाला भी भुन चुका है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला कितने अच्छे तरीके से पक चुका है और वह ऑयल भी छोड़ चुका है। अब इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे आलू, क्योंकि आज हम मछली में आलू डाल के बना रहे हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने 4-5 आलू ले लिए और इसे मैंने पील कर इसे स्लाइसेस में कट कर लिए हैं, देख सकते हैं। और इसे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे 2-3 मिनट तक मसालों में भून लेंगे। इस तरीके से चलाते हुए इसे 2 मिनट तक भून लेंगे मसालों में। तो आप देख सकते हैं 2 मिनट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी पानी यानी वाटर, ताकि हमारा आलू अच्छे से गल जाए। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। अभी हमारा शोरबा जो है पतला लग रहा है, ये पकेंगे तो गाढ़ा हो जाएगा। और इसके अंदर हम फिश ऐड करेंगे, वो भी अब्सॉर्ब कर लेगा पानी थोड़ा सा। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए इसे ढक देते हैं और इसे एक बॉयल आने तक और आलू गलने तक पका लेते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे। तो आप देख सकते हैं हमारा 5 मिनट हो चुका है। अब इसे खोल के देख लेते हैं। ये देखें, कितनी अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है। अब हम आलू चेक कर लेंगे कि हमारा आलू गला है या नहीं। ये देखें, हमारा आलू भी अच्छी तरीके से गल चुका है। अब इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे जो हमने मछली फ्राई किया था, डाल देंगे। और इसे हिला देंगे। मछली को शोरबा के अंदर अच्छे से डिप कर देंगे ग्रेवी के अंदर और इसे 2 मिनट पकने देंगे ऑयल छोड़ने तक। ऑयल छोड़ने तक 2 मिनट तक पकने देंगे, उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा मछली आलू बिल्कुल बन के रेडी है। ये देखने में जितना सुंदर है उतना खाने में भी बहुत टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे
और ये बिल्कुल फ्री है।